बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबुत मसूर की दाल। इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है, बस तीन चार पानी में धो लें और देगचे में डाल दें। दाल के मुताबिक मैंने पानी देगचे में डाल दिया है और ये थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें दाल डालते हैं। दाल मैंने देगचे में डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे हसबे ज़रूरत नमक। अब हम डालेंगे इसमें हसबे ज़रूरत नमक। दाल के उबलने का इंतज़ार करें। दाल हमारी उबलना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें ढकना रखेंगे और इसे तकरीबन एक मिनट तक उबलने देंगे ताकि इसमें भाप इकट्ठी हो जाए। अब फ्लेम को बिल्कुल धीमी आंच पे रख दें और दाल को पकने दें। दाल हमारी गल चुकी है। दाल में पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तेज़ आंच करके इसका पानी खुश कर लें और दाल को गाढ़ा कर लें क्योंकि दाल हमने खानी है। ये देखिए इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन 4 से 5 मिनट में इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा। दाल हमारी गाढ़ी हो चुकी है। मुझे गाढ़ी दाल पसंद है। कुछ लोग पतली खाते हैं तो वो ज़्यादा पानी रख देने लें। दाल में जो मसाले जाएंगे उनमें 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, सूखा धनिया 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून पिसा जीरा, 2 अदर टमाटर मैंने लिए हैं दरमियाने, उन्हें बारीक काट लिया है, और 2 हरी मिर्च मैंने काट के रखी है। अब हमने थोड़ा सा तेल कढ़ाई में निकाला है। सबसे पहले हम इसमें टमाटर डालकर फ्राई करेंगे। टमाटर अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें दाल में डालेंगे। टमाटर हमने दाल में डाल दिए। अब हम थोड़ा सा तेल कढ़ाई में डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन हमने कढ़ाई में डाल दिया है, इसे इस वक्त तक भुनें जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। लहसुन को अच्छा पर पकाना है, फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगा। लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। अब ये मसाले जो हमने पहले से प्लेट में डाल के रखे हुए हैं ये हम कढ़ाई में डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लें। तकरीबन 1/2 सेकंड तक इसे मिक्स करें और इसे फौरन से देगचे में डाल दें। लहसुन की बगार मैंने देगचे में डाल दी है। अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। दम पे रख देंगे ताकि ये जो मसाला है हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें फौरन हरी मिर्च डाल दें और चूल्हे से उतार लें। दाल हमारी तैयार है। दाल हमारी खाने के लिए रेडी है। मेरे पास हरा धनिया नहीं है, इस वक्त अवेलेबल। आप इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं। घर पर दाल बनाकर टेस्ट करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।